digestive system and organ system. Let us discuss one by one by analyzing the body organ system. Consider this. This is organ system, human body organ system, and different parts. First one is brain part. This is skull that protect the brain, include brain portion. So these two portion are from brain. Cerebellum, largest part of the brain. Cerebellum, और ये है हमारा medulla oblongata, hypothalamus से जो निकल रहा है ये medulla oblongata. ये दोनों पार्ट सेम है हमारे, आप cerebellum है जो दोनों दूसरों को डिवाइड करते हैं, दोनों हेमिस्फीयर्स की ये हमारे ब्रेन को पार्ट को कंसिस्ट करते हैं, मीन्स ब्रेन का पार्ट बनाते हैं ये, ठीक है. और बॉडी को क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जो स्कल होता है हमारा रिब केज वाला ऊपर वाला स्कल, ये स्कल की जो बोन से ये क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. फिर उसके बाद आई, ये इसकी मतलब हेड से ये आई है, इसको जूम कर लो थोड़ा सा नीचे करके. ये है हमारी नोज, ये है लिप्स, ठीक है, चीन जो हम देख रहे हैं ये सारा, ठीक है. और ये क्या है, ईयर है हमारे, ठीक है, चीक बोन है, चीन ये चीक है, चिन है. उसके बाद जो ये हम देख रहे हैं, देखो ये रेस्पिरेटरी का पार्ट है जिसको हम फैरनेक्स और लैरिनेक्स बोलते हैं. मीन्स फैरनेक्स क्या होता है, कॉमन पाइप है, जैसे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का कॉमन पैसेज होता है. और लैरिनेक्स है ये ट्रैकिया के अंदर जाता है, मीन्स जो एयर है हमारी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये लंग्स है, फर्दर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से. तो ट्रैकिया का यहाँ से जो लैरिनेक्स है ये अपनी ऑक्सीजन को मतलब गैसेस को कैरी करेगा लंग्स के अंदर. तो ये हमारे दोनों क्या है, लंग्स है. इसके ऊपर ना एक रिब केज होता है, तो रिब केज अभी इसका रिमूव हो चुका है, मतलब मिला नहीं है हमें. तो रिब केज क्या करता है, हमें पता है 12 पेयर्स के अंदर होती है. रिब केज लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इसके ऊपर रिब केज है और नीचे उसके पोस्टीरियर, मीन्स एंटीरियर में रिब केज और पोस्टीरियर में लंग्स लाई करते हैं इसके हमारे. ये दोनों क्या है, हमारे लंग्स है, इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है. ये हमारे लंग्स के पोर्शन है और लंग्स के नीचे ही हमारा क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है. हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बिहाइंड द लंग्स हमारा खून लाई करता है, हार्ट लाई करता है. और हमारा ह्यूमन मेंबर के अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है. ये राइट आर्टेरियम वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 है. इसको जूम कर लें सर थोड़ा नीचे करके, इसको सिर्फ इसको हार्ट को, ठीक है. ये हमारा देखो राइट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अरोटा. ये क्या करता है, देखो हार्ट लंग्स से ऊपर सबसे पहले हमने लंग्स जो निकाले हैं, लंग्स का ऊपर मतलब लंग्स का जो फंक्शन था, दो है हमारे लंग्स. लंग्स का क्या फंक्शन था, लंग्स क्या करते थे बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन गैसेज एक्सचेंज का काम करते हैं. ऑक्सीजन वाला ब्लड जो हमारी राइट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड आता है वो राइट आर्टेरियम के अंदर आता है. सारा का सारा बॉडी का इम्प्योर ब्लड राइट आर्टेरियम कैरी करती है. जब ये फिल हो जाता है, ये चैम्बर ओपन होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल खुलता है, उसके बाद यहाँ पे सारा ब्लड आता है इम्प्योर. और यहाँ से सारा का सारा ब्लड जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो लेके जाती है किसके अंदर, हमारा लंग्स के अंदर, ठीक है. तो इम्प्योर जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी इन लंग्स के अंदर. और फिर लंग्स क्या करते हैं, वहां पे प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स मतलब दे देते हैं हमारे इसको लेफ्ट आर्टेरियम को. फिर मतलब ऑक्सीजनेशन लंग्स का मेन जो काम था वो क्या था, ब्लड की प्यूरिफिकेशन करना, ऑक्सीजन वाला ब्लड देना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को CO2 को लेना. उसके बाद यहाँ से जो ब्लड आया, यहाँ पे कौन सा आया, हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू प्योर ब्लड आया. और ये ब्लड जाता हमारा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में. और ये सारा का सारा अच्छे वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो आती है इस अरोटा के अंदर. और ये अरोटा पूरी बॉडी सिस्टम को, हमारी जो पूरी बॉडी ऑर्गन सिस्टम है सबके अंदर क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी के थ्रू सप्लाई करती है. और लार्जेस्ट जो आर्टरी है हमारी बॉडी की वो है अरोटा, ये वाली अरोटा है लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, जो पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है. जस्ट बिलो द हार्ट एंड लंग्स ये डायफ्राम है हमारा, डायफ्राम लाई करता है इसके जस्ट नीचे ही, ठीक है. डायफ्राम के बाद यहां से देखो ये है हमारा लीवर. लीवर के अंदर क्या क्या है,
ये है हमारी गॉल ब्लैडर। सबको पता है कि गॉल ब्लैडर क्या सिक्रीट करती है, बाइल जूस सिक्रीट करती है, और ये बाइल जूस को स्टोर भी करती है गॉल ब्लैडर। और ये क्या करती है, जो भी हमारा डाइजेस्टिव फूड है, डाइजेशन का काम है बॉडी के अंदर, उनको क्या करती है, फैट के मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा लीवर रोल प्ले करता है। फैट का मेटाबॉलिज्म है इसका मेन फंक्शन है लीवर का, फैट के मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करना। ठीक है, कई केसेस में क्या होता है, जिन पेशेंट के अंदर लीवर की प्रॉब्लम होती है या लीवर अच्छे से काम नहीं करता, तो बाइल जूस नहीं सिक्रीट होता, वहां पे क्या होता है कि लीवर का फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट करता है, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना स्टमक भी लाई करती है, जो इसके अंदर रिमूव हो चुका है, मीन्स है नहीं हमारे पास स्टमक भी, लीवर की जस्ट यहाँ पे स्टमक होता है, जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये है हमारा स्टमक वाला पोर्शन, ये था लीवर और ये है हमारा स्टमक। स्टमक के अंदर क्या, यहाँ से देखो ये हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, हमने ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, हमने यहाँ माउथ से ओरल कैविटी से जो भी सब्सटेंसेस इनटेक किया, चाहे हमने कोई फूड खाया या हमने कोई ड्रग ली, तो उसके बाद ये हमारी ईसोफेगस है, फूड पाइप, यहाँ से खाना आएगा स्टमक में जाएगा, ये हमारी स्टमक है। यहाँ पे क्या, ईसोफेगस से ओपनिंग होती है, फंडस है, बॉडी है, कार्डिक पार्ट है, फंडस के स्टमक के सारा, यहाँ पे एसिड रिलीज होता है, एचसीएल रिलीज होता है, यहाँ पे फूड डाइजेशन होता है। इसके बाद ये जस्ट यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है पैनक्रियाज, ये स्टमक के पोर्शन में पैनक्रियाज है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज की बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती है, जो कि हमें शुगर होने से बचाती है, और ग्लूकागोन हार्मोन जब हम फास्ट कंडीशन में होते हैं, अल्फा सेल है जो पैनक्रियाज की, वो ग्लूकागोन सिक्रीट करती है, ताकि हमें मतलब फास्ट की कंडीशन में एनर्जी मिल सके ग्लूकोज को इन्हांस करके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ही डिस्कस करते हैं हम। इसके बाद देखो ये लीवर हमने निकाल दिया, लीवर का हमने स्टमक का डिस्कस किया, ये देखो ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या है, ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, उसके बाद असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। खाना क्या होता है, स्टमक के बाद सारा का सारा फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर स्टमक से आया फूड में से, ठीक है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो अब्जॉर्ब हो गए ब्लड के अंदर चले जाएंगे स्टमक के बाद, इंटेस्टाइन के बाद, और जो वेस्ट मेटेरियल है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से जो वेस्ट मेटेरियल है, वो वेस्ट हमारी थ्रू द एनस वो क्या करेंगे, बॉडी से एलिमिनेट होंगे। यहाँ पे इसके अंदर ये छोटा सा जो दिखा रखा है, इसको जूम करें, ये अपेंडिक्स है, पहले क्या होता था, जो इसका ऑपरेशन होता है ना, मतलब आजकल सुने कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है या फट गई है अपेंडिक्स, ये ना इनवेस्टिगल ऑर्गन है, मतलब यूज में नहीं है हमारे, बट ये धीरे धीरे अब क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ये पहले होती थी, मतलब जैसे टेल होती थी ना अपने एंसेस्टर्स में, वहां पे ये टेल वाली जो रही हुई है अपेंडिक्स है ये, ठीक है, ये कई बार इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से किसी वजह से, तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, इसको रिमूव करना पड़ता है, और इसका वैसे कोई बॉडी के अंदर पर्पज नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता। उसके बाद जस्ट इसके नीचे ही देखो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख रहा है हमें, ठीक है, किडनी वाला, ये दो हमारी किडनी है, राइट एंड लेफ्ट किडनी, ठीक है, ये हमारा देखो पैनक्रियाज वाला पोर्शन शो हो रहा है यहाँ पे। किडनी के बाद जो किडनी की मेन यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है, ये इसकी जैसे यूरिटर चली गई, यूरिथ्रा है हमारा, ठीक है, यहाँ से हमारी इसकी एक्सक्रीशन होती है यूरिथ्रा के थ्रू। उसके बाद जो हमारी इसके अंदर आर्टरी है, ये आर्टरी वेन जो हमें दिख रही है, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, ये हमारी यूरिथ्रा, ये यहाँ पे क्या करता है, नेफ्रॉन होती है किडनी के अंदर, इस किडनी के अंदर एक तो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होती है यहाँ पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी के जस्ट ऊपर, ये एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। दूसरा इसमें जो नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड की जितना भी ब्लड आता है उसको फिल्टर आउट करेगा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को अब्जॉर्ब करेगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको यूरिन की फॉर्मेशन के थ्रू, या ड्रग है, बहुत सारी ड्रग भी है जो हम लेते हैं जो कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी से, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, मींस जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है एब्जॉर्प्शन के है, जैसे सोडियम आयंस हो सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी आयंस है जो बॉडी में इंपॉर्टेंट है, और किडनी का क्या है, ग्लूकोज वगैरह है, या फिर क्रिएटिनिन है, मतलब जो हैवी अमीनो एसिड प्रोटीन्स है उनको एक्सक्रीट आउट से ये प्रिवेंट करती है, जीएफआर इस पे डिपेंड करता है, और बाकी का सारा क्या, सारा वेस्ट मेटेरियल यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन
सिस्टम जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था, ठीक है। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट